हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट टेक। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी में फोल्डर में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेड कलर का बटन, इसको आप प्रेस कर देंगे तो जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं, तो मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पे क्लिक करूंगा और फोल्डर पे क्लिक कर देता हूं। तो एक फोल्डर क्रिएट हो गया, इसका जो नाम है मैं टेस्ट दे देता हूं। टेस्ट नाम से हमने फोल्डर को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें हमें एक टेस्ट फाइल बनानी है txt नोटपैड वाली, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक फाइल बना लेता हूँ। ओके, ये फाइल बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर का कुछ कोड कॉपी पेस्ट करना होगा जिसके जरिए लॉक लगेगा। तो वो जो कोड है वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरी गूगल ड्राइव से उस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी मेरे डेस्कटॉप पर है तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको। ये रहा कोड, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके। अब टेस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे, टेस्ट डॉक्यूमेंट में इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इसमें पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ये कोड इसमें आ चुका है। अब हमें करना ये होगा, इसमें हमें अपना पासवर्ड डालना होगा। जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं इफ नॉट परसेंट पास परसेंट इक्वल टू पासवर्ड अंडरस्कोर कब्स अंडरस्कोर हेयर। तो यहाँ पर इसको डिलीट करना है आपको, और यहाँ पर आपको पासवर्ड अंडरस्कोर कब्स अंडरस्कोर हेयर की जगह अपना पासवर्ड रखना है। तो मैं इसमें अपना जो पासवर्ड है माई स्मार्ट टैग रख देता हूँ। माई स्मार्ट टैग में अपना पासवर्ड रख देता हूँ और इस फाइल को आपको सेव कर देना है। इस फाइल को आपको फाइल पर जाना है और सेव एज पर जाना है। सेव एज पर जब आप जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं इसमें आपको जो फाइल का नाम सेव करना है, वो जैसा मैं रख रहा हूँ वैसा ही नाम आपको रखना होगा तभी ये वर्क करेगा। तो इसमें जो नाम है आपको देना होगा मेरा फोल्डर .bat, ये बैच फाइल बनेगी जिसे बोलते हैं, ये आपको बनानी होगी। तो और जो नीचे सेव एज टाइप आ रहा है इसमें ऑल फाइल सेलेक्ट करिए, ध्यान रहे जो नाम और सेव एज टाइप में ऑल फाइल रखना है। अब मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं फाइल सेव हो चुकी है। मैं बैक आता हूँ इससे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे फोल्डर में दो फाइलें आ चुकी हैं, एक तो जो हमने बनाई है अभी मेरा फोल्डर .bat एंड जो हमारी पहले की टेक्स्ट फाइल थी। तो अब मैं टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट फाइल डिलीट करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास यही फाइल रह गई है। अब हमें जो फोल्डर बनाना है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, तो इसको बनाने के लिए आपको मेरा फोल्डर जो बेस फाइल है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे ही करता हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोल्डर बन गया प्राइवेट नाम से, ऑटोमेटिकली फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर में आप कुछ भी रख सकते हैं जो फाइल आपको प्रोटेक्ट करनी है, जिसमें आप चाहते हैं कि जो कोई ना देखें आपके पीसी पर। तो मैं ये जो दो इमेज आपको दिखाई दे रही हैं ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ इसमें कि कैसे आप इनको लॉक कर सकते हैं। जैसे एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, आप कोई भी फाइल नोटपैड फाइल टेक्स्ट फाइल वर्ड फाइल या कोई मूवी या कोई वीडियो आप कुछ भी उसमें रखकर जो है, तो मैं यहाँ से इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ पहले। दोनों को कट कर देता हूँ, कट करने के बाद इसमें पेस्ट कर देता हूँ प्राइवेट फोल्डर में, मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये दोनों फाइलें इसमें आ चुकी हैं। अब अभी मैं इन्हें देख सकता हूँ क्योंकि अभी इसमें पासवर्ड पूरी तरीके से लगा नहीं है, अभी पासवर्ड लगाना बाकी है। ओके, तो फिलहाल अभी ये दोनों आ गई हैं, अभी मैं इन्हें देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है, अभी इनमें पासवर्ड लगना बाकी है। तो अब मैं बैक पर क्लिक कर देता हूँ। बैक क्लिक करने के बाद आपको मेरा फोल्डर .bat पर जाना है दोबारा से, और इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू लॉक द फोल्डर। बाई का मतलब है यस, नो का एन का मतलब है नो। तो आप लॉक करना चाहते हैं तो मैं बाई पे क्लिक कर देता हूँ, बाई दबा देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखेंगे वो फोल्डर हाइड हो गया। ठीक है, अब आपका फोल्डर किसी को भी दिखाई नहीं देगा और कोई लॉक कोड डालना पड़ेगा उसको अगर देखना है तो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे देखना है। अब कोई भी टेस्ट पर आता है और उसको देखता है तो उसे फोल्डर ही नहीं दिखाई देगा। अगर वो फोल्डर देखने के लिए इस पर डबल क्लिक भी करेगा
तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, एंटर पासवर्ड टू अनलॉक फोल्डर। पासवर्ड अगर आपको पता होगा तभी ये खुल पाएगा। तो मैं इसमें गलत पासवर्ड आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे कोई भी गलत पासवर्ड हम डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जयवीर डाल देता हूँ, जयवीर 666 या कुछ भी, तो एंटर करता हूँ तो देखिए आ रहा है इनवैलिड पासवर्ड। तो जब तक पासवर्ड सही नहीं होगा तब तक आपका फोल्डर खुलेगा ही नहीं। तो अब मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, माई स्मार्ट टैग पासवर्ड डाल के इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा, जो हमारा सही पासवर्ड है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस बार मैं जो पासवर्ड है वो माई स्मार्ट टैग डालता हूँ। सही पासवर्ड डालने के बाद मैं एंटर पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है वो अनलॉक होकर आ चुका है। अब मैं इसको सारी फाइलें देख सकता हूँ क्योंकि अब अनलॉक हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप हाइड कर सकते हैं। तो अब आता है कि आप अपना जो पासवर्ड है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा एडिट पर। अब एडिट पर क्लिक कर दीजिए और एडिट पर क्लिक करने के बाद इसमें आपका नोटपैड वाली फाइल खुल जाएगी और उसमें आप अपना जो पासवर्ड है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फाइल खुल चुकी है, इसमें आपको वहीं जाना है जहाँ मैं पहले गया था, इफ नॉट परसेंटेज पासवर्ड। यहाँ पर माई स्मार्ट टैग आ रहा है तो इसकी जगह आप दूसरा पासवर्ड भी चूज कर सकते हैं अपना, जो भी आप चाहते हैं। और अगर आप पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो सिंपल इस फाइल को डिलीट कर दीजिए और यहाँ से सारे जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, जो आपकी इमेजेस वगैरह हैं, वो आप निकाल कर डेस्कटॉप पर पेस्ट कर सकते हैं पब्लिक फोल्डर में। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने जो सिस्टम है उसमें कोई भी फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट बना सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इस तरीके के कंप्यूटर, इंटरनेट, एंड्रॉयड, मोबाइल, इनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, टेक वीडियोज़, वो लेकर मैं हमेशा आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।